हरे कृष्णा राधे राधे। अगर आप पीपल की पूजा करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान देना कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो, जिससे पूजा के फायदे की जगह आपको कोई दोष या नुकसान मिल रहा हो। पीपल की पूजा से संबंधित सभी को बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अगर पूरे महीने पीपल की पूजा का नियम लिया है तो क्या रविवार को पूजा नहीं करें, या रविवार को पूजा ना करने से नियम खंडित तो नहीं हो जाता? क्या रोज पीपल पर जल अर्पित करें? पीपल की पूजा का इतना महत्व क्यों है? पीपल की पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जब पीपल बहुत ज्यादा देव वृक्ष है तो घर में उसकी पूजा क्यों नहीं होती? पीपल के वृक्ष पे तो भूत प्रेत रहते हैं। इस तरह के बहुत सी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको पीपल वृक्ष का, पीपल की पूजा का ही महत्व बता रही हूं। देखो, पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। अश्वत्थ पीपल का संस्कृत नाम है। ऋग्वेद में इसे पीपल कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ इसे बौद्धि वृक्ष कहते हैं। पीपल को लेकर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणम मूलतो ब्रह्म रूपाये, मध्यतो विष्णु रूपेणे, अग्रत शिव रूपाये, अश्वथाय नमो नमः। इसका मतलब है मैं वृक्षों में पीपल हूं। इसमें भी इस वृक्ष की महत्व तब पता चलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में भगवान नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। इसलिए पीपल को बहुत पूजनीय वृक्ष माना जाता है। अश्वत्थ पूज्यतो यत्र पूज्यतो सर्व देवता, अर्थात पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में पीपल की पूजा अनादि काल से होती आ रही है। पीपल को देव वृक्ष भी कहते हैं। द्वापर युग में परम धाम जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर ही ध्यान अवस्थित हुए थे। इसलिए मृत आत्मा की शांति के लिए पीपल वृक्ष के मूल में, मतलब जड़ में जल चढ़ाते हैं। प्रत्येक मनुष्य की जन्म कुंडली में देखो कोई ना कोई दोष जरूरी होता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल की पूजा करने से कुंडली के दोष, ग्रह पीड़ा, पितृ दोष, काल सर्प योग, विश्व योग आदि सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब देखो, ये तो हमने आपको बताया आध्यात्मिक रूप में पीपल के वृक्ष का क्या महत्व है। अब हम चर्चा करते हैं कि पीपल के लिए साइंस क्या कहती है। तो देखो, सभी वृक्ष, आपको पता ही है कि दिन के समय में सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही रात को सभी वृक्ष ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही वजह है कि रात के समय पेड़ों के नीचे सोने से मना किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे में हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसलिए ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेड़ बताया गया है, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। यही वजह है कि पीपल को पूज्य मानकर सदियों से उनकी पूजा होती आ रही है। साथ ही शनि देव को प्रसन्न करने के पीछे पौराणिक कारणों से भी पीपल की पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब हमारे पास ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब हमारा पीपल देव वृक्ष है और बहुत उसके चमत्कारी उपाय होते हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव सभी का वास उसमें है, तो पीपल को घर में या घर के आसपास नहीं लगाने को क्यों कहा जाता है? तो देखो, इसके पीछे बहुत सिंपल सी वजह है। पीपल जो वृक्ष होता है ना, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। एक बार इसे कहीं लगा दिया जाए तो धीरे धीरे इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक फैलती चली जाती है। ऐसे में पीपल घर की जमीन और दीवारों को फाड़कर भी बाहर निकल जाता है। इससे घर का काफी नुकसान हो सकता है।
इसलिए इसको घर में ना लगाने की सलाह दी जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि भई ये अशुभ होगा क्योंकि जब घर ही टूट फूट जाएगा तो क्या ही फायदा होगा, है ना। लेकिन अगर आप इसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में लेना चाहते हैं तो आप पीपल के पौधे को एक गमले में लगा सकते हो, पर याद रखना गमले में ये ज्यादा समय तक रह नहीं सकता क्योंकि ये बढ़ता बहुत तेजी से। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि गमले के नीचे से ही इसकी जड़ें धरती में आ गई हैं। इसलिए ही कहती हूं कि घर से बाहर जाकर पीपल की पूजा करना ही सबसे अच्छा है। देखो पीपल के पेड़ को बिना किसी प्रयोजन के काटना अपने पितरों को काट देने के समान माना गया है। ऐसा करने से वंश की हानि होती है। अगर आप यज्ञ आदि की संविधा के लिए इसको काटना चाहते हो तो उस पे कोई दोष नहीं है, बस आपको क्षमा प्रार्थना करनी होती है और बोलना होता है कि मैं यज्ञ की संविधा के लिए डालियां चाहता हूं और इससे हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखो पीपल का वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि उनके घरों की छत में दीवारों में पीपल का वृक्ष उग आया है तो वो क्या करें। तो देखो ऐसा होता है, पीपल का वृक्ष बहुत तेजी से उगता है और जब भी कोई पंछी होते हैं ना वो पीपल के पेड़ पे बैठ के उसके बीज को खाते हैं और जब वो छत पे दीवारों पे बीट करते हैं तो वो बीज अपने आप ग्रो कर जाता है, ठीक है, वो थोड़े से पानी से ही ग्रो कर जाता है और फिर वो बढ़ता बड़ी तेजी से है, ज्यादातर जड़े दीवार के अंदर ही ले लेता है। अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो याद रखना पीपल घर में से सिर्फ रविवार को ही हटाना चाहिए। और इसको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, क्या होता है, पीपल के पास पहले आप नींबू मिर्ची रखें, फिर पीपल को सावधानी से निकालकर गमले में लगा दें। ऐसे उसे तहस नहस करके तोड़ना नहीं होता है। याद रखिएगा पीपल को तोड़ना बहुत पापजनक कार्य होता है, तो इसीलिए सावधानी से उसे निकाल के गमले में लगा दे। गमले में ही नींबू मिर्ची उसी के साथ रख दे और फिर ये गमला कहीं पार्क में रखा है। ये काम सिर्फ और सिर्फ रविवार को ही करें क्योंकि रविवार को पीपल पर दरिद्रता का वास होता है। ऐसे में उसे घर से बाहर करना साधक के लिए शुभ ही होगा। दरिद्रता का भोजन खट्टा और तीखा होता है, इसलिए ही घर के बाहर आपने देखा ना नींबू मिर्ची टांग के रखते हैं ताकि दरिद्रता भोजन की तलाश में जब किसी के घर में आए तो उसे घर के बाहर ही अपना भोजन मिल जाए और वो वहीं से उसे खाके चली जाए, घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। इसी वजह से घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं और इसीलिए घर में से हम पीपल का वृक्ष सिर्फ और सिर्फ रविवार को ही निकालते हैं। अब देखो हमारी चर्चा से ये स्पष्ट हो गया है कि पीपल का वृक्ष घर पे नहीं लगाया जाता, पीपल की पूजा हमेशा घर से बाहर जाकर करना ही ज्यादा उत्तम होता है। एक और चीज याद रखना, सुनसान जगह पर अगर कोई आपको पीपल का वृक्ष देखता है तो उस पेड़ की पूजा नहीं की जाती। पूजा हमेशा उसी पीपल वृक्ष की होती है जो पहले से पूजित होता है। जो पेड़ पूजित नहीं होता उस पर प्रेत आत्मा अपना वास बना लेती है। एक और बहुत जरूरी बात याद रखना, बिना पूजा के सम्मान के पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे हाथ में पूजा की थाली हो या सिर्फ जल का लोटा हो या सिर्फ दीपक हो, पर कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए। देखो दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों पीपल पर वास करती हैं। दरिद्रता जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो खाली है, और माँ लक्ष्मी जो बहुत धनवान है। तो जब हम कुछ लेकर जाते हैं और पूजा करते हैं तो वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है और वो हमारे साथ वापस आती है, पर जब खाली हाथ कोई जाता है तो माँ दरिद्रता उससे प्रसन्न हो जाती है और उसके साथ चल देती है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, किसी भी दिन आप पूजा करें बट खाली हाथ कभी भी पीपल के वृक्ष के पास ना जाए। एक और जरूरी बात, रविवार को कुछ भी हो जाए पीपल की पूजा ना करें, इससे दरिद्रता आती ही आती है। कई लोग किसी महीने विशेष में पूरे महीने पीपल की पूजा का नियम लेते हैं, जैसे स्पेशली होता कार्तिक में, माघ में, वैशाख में। ऐसे में नियम के बावजूद भी कभी भी हम रविवार को पीपल की पूजा नहीं करते और इससे नियम खंडित नहीं माना जाता है। याद रखना कभी भी किसी भी हालात में रविवार को पीपल की पूजा नहीं करेंगे। रविवार को पीपल पर लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास होता है,
जो भी गलती से भी रविवार को पीपल की पूजा करता है, दरिद्रता उसके साथ चल देती है। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा, अगर कभी रविवार की अमावस्या पड़ती है या वट सावित्री व्रत पड़ता है, तब हम कहते हैं कि नहीं, रविवार को तो हमें पूजा नहीं करनी है। इसीलिए ज्यादातर लोग एक दिन पहले शनिवार को अमावस्या या वट सावित्री का व्रत कर लेते हैं, बट रविवार को पड़ने वाले किसी भी शुभ दिन पर भी हम पीपल की पूजा नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज, पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी के निमित्त हमेशा मीठा अर्पित करें, पर जब पीपल को घर से बाहर निकालना हो तो खट्टा तीखा रखकर ही बाहर निकाले। अच्छा, विशेष पर्वो जैसे सोमवती अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या आदि में पीपल वृक्ष पर सूत यानी कलावा लपेटते हुए 108 परिक्रमा की जाती है, बहुत अच्छा होता है। पर फिर याद दिला रही हूँ, चाहे कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज बहुत जरूरी ध्यान रखना, सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना तो बहुत अच्छा होता है, पर इस समय पीपल को जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्य उदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर आत्माओं का वास होता है। बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, तो बताओ क्या वो भूतों को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं? ये धारणा सही नहीं है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पितृदोष लगता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर रखने के बाद वापस पीछे भी नहीं देखना चाहिए। पीपल के पेड़ पर आत्माओं के वास की ये जो बात कही गई है, इसके पीछे एक कारण जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि जब हम अंतिम संस्कार करने के बाद आते हैं तो उस समय अस्थियों को घर पर नहीं लाया जाता, और इसीलिए पीपल के पेड़ से उसे लटका दिया जाता है। इसी के चलते लोगों के बीच में ये धारणा बन चुकी है कि मरने वाले की आत्मा पीपल के पेड़ में रहती है। इसका एक कारण ये भी है कि पीपल का पेड़ हर जगह बड़ी आसानी से उग जाता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, टहनियां भी इसकी बहुत मजबूत होती है। शायद इसीलिए ही सब कहते हैं कि भाई इस पे आत्माओं का वास है। अब है ना, मेरी बात सुनके कोई कहेगा कि भाई आम, अशोक और बरगद का पेड़ भी तो है, उसके लिए ऐसा क्यों नहीं कहते? तो देखो, आप खुद विचार करना और कभी अपने एरिया में घूमकर नोट करना, आप जहां भी रहते हो वहां पीपल की तुलना में कितने आम और बरगद के पेड़ हैं। अच्छा, इसके अलावा शायद भूत प्रेत की बात का एक और तथ्य ये भी है, पहले समय में क्या होता था, सब काम चूल्हे पर लकड़ी जलाकर ही किए जाते थे। उस समय पेड़ों को काटकर लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी, ऐसे में किसी भी पेड़ को काट लिया जाता था। अब पीपल का पेड़, क्योंकि वो तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए लोगों के बीच में ये बात फैलाई गई कि पीपल पे भूत रहते हैं। इस खबर से भी लोगों में डर पैदा हो जाए और लोग पेड़ को ना काटे। इन सभी बातों का उद्देश्य सिर्फ पीपल को बचाना ही है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही तपस्या करते थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे ही मिला था। पिपलाद ऋषि पीपल के पेड़ों के पत्ते खाकर ही बड़े हुए थे। कुछ सुनसान जगहों पे हमें ये वर्णन मिलता है कि वहां पे किसी आत्मा का या प्रेत का वास है पेड़ पर, तो वो कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है, इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि जो भी पूजित वृक्ष नहीं होते उधर जाके पूजा मत करना। हमेशा जो पूजित वृक्ष होते हैं, जिन वृक्षों की लोग पूजा कर रहे हैं, वहीं पे पूजा करनी चाहिए। सुनसान जगह पे या जिस वृक्ष की पूजा नहीं होती वहां पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल की पूजा क्यों की जाती है? आखिर शनि देव और पीपल के पेड़ का क्या संबंध है? तो देखो, शास्त्रों के अनुसार पीपल में सभी देवों और पितरों का वास माना गया है। शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल पर शनि महाराज का भी वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन इसकी पूजा विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, और जिन जातकों की कुंडलियों में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति भी मिल जाती है। इसे लेकर कुछ पौराणिक कथाएं भी हमें मिलती हैं। एक कथा के अनुसार क्या हुआ था कि एक बार स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया था,
कैटब नाम का एक राक्षस था, वो क्या करता था, पीपल के पेड़ का रूप धारण करके यज्ञ को नष्ट कर देता था, क्योंकि जो सभी देवता थे उन्हें यज्ञ से ही भोजन मिलता था और ताकत मिलती थी। अब क्या होता था, वो कैटब ने बड़ा दिमाग लगाया और उसने कहा जब भी कोई ब्राह्मण समिधा के लिए यज्ञ हवन करने के लिए पीपल के पेड़ की टहनियां तोड़ने के लिए पेड़ के पास जाता था तो वो राक्षस उसे खा जाता था। और ऋषियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ब्रह्म कुमार जो ब्राह्मण कुमार है वो कहां गायब होते जा रहे हैं। ब्राह्मण कुमारों के वापस ना लौटने पर ऋषियों ने शनिदेव से सहायता मांगी। एक बार शनिदेव ने ब्राह्मण का ही रूप बनाकर पीपल के पेड़ के पास गए तो जो कैटब असुर था उसने शनि महाराज को पकड़ने की कोशिश की तो शनिदेव और कैटब में युद्ध हुआ। शनिदेव ने कैटब का वध कर दिया। तब शनि महाराज ने ऋषियों को कहा कि आप सभी भय मुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना, इससे शनि की पीड़ा से सबको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा हमें एक और पौराणिक कथा मिलती है जिसके अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, है ना। पिपलाद का शाब्दिक अर्थ होता है पीपल के पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। बड़े होने पे इनको पता चला कि शनि की दशा के कारण के माता पिता को की मृत्यु हुई थी। इससे इनको बड़ा क्रोध आया। इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर घोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तो जो पिपलाद ऋषि थे उन्होंने ब्रह्म दंड मांगा और पीपल के पेड़ पर बैठे हुए शनिदेव पर ब्रह्म दंड से प्रहार किया और इससे शनिदेव के पैर टूट गए। अब शनिदेव बड़े दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव ने आकर ऋषि पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। तभी से शनि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर ही इन्होंने तप किया था, इसी से वो बड़े हुए थे। इसीलिए माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अच्छा, ये प्रश्न भी हमसे बहुत कॉमनली किया जाता है जिसमें लोग पूछते हैं कि क्यों रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो देखो, ये तो आपको पता ही है कि पीपल पे देवताओं का वास होता है, है ना। तो फिर ये सबके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि रविवार को जल देने से दरिद्रता क्यों आती है। तो इसकी कथा बताती हूँ। जब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनकी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं हुआ था। दरिद्रता के विवाह के बाद ही लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु से विवाह कर सकती थी। भगवान विष्णु ने दरिद्रता से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती हैं, तो वो बोली कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो कभी पूजा पाठ ना करता हो और उसे ऐसे स्थान पे रखे जहां पर भी पूजा पाठ ना होती हो। तब श्रीहरि विष्णु ने उनके लिए ऋषि नाम वाले एक वर को चुना और दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। अब दरिद्रता की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहां कोई भी धर्म कार्य ना होता हो। अब ऋषि उनके लिए उनके मन भावन स्थान को ढूंढने के लिए निकल पड़े और उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। ऋषि कुमार को कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी। बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने दरिद्रता का रोना सुना तो वो दोनों दरिद्रता के पास आए। दरिद्रता ने उन्हें कहा कि उनके पति उनके रहने के लिए उचित स्थान देखने गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि इस धरा पर ऐसा कोई स्थान है ही ना जहां कोई धर्म कार्य नहीं होता हो। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा से पूजा पाठ दान जरूर करता है। फिर भगवान ने अपना निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता को दे दिया और से कहा कि हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास नहीं होगा, दरिद्रता का वास होगा। इसलिए ही रविवार को पीपल की पूजा करना बिल्कुल वर्जित किया जाता है, बिल्कुल मना किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बड़ी उपयोगी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।